अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में। जिस तरह से कोविड की महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं पे अगर हम ज़िला डोडा की बात करें, ज़िला डोडा के अंदर भी काफ़ी सारी डेथ हुई हैं और कोविड के काफ़ी सारे केसेस भी आ रहे हैं दिन ब दिन। और ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं, फ्रंट लाइन हीरोज़ हमारे जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ये काम कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सारी सिचुएशन को ये हैंडल कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? माईसेल्फ आर अहमद देव। अरे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली फ्रॉम डोडा, आई एम फ्रॉम डोडा सिटी। जिस तरह से कोविड के काफ़ी सारे केसेस डोडा के अंदर भी आ रहे हैं, किस तरह से सारी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हैं? हम फर्स्टली जब भी कोई भी पेशेंट आ जाता है तो हम फर्स्टली वी कैन डू द रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो उनका हम सबसे पहले कोविड टेस्ट कराते हैं और जितने भी हमारे बेस लाइन्स जो होता है हमारा, उनके वाइटल्स होते हैं वो कराते हैं उनको। उसके बाद जो रैपिड जो रैड टेस्ट होता है वो तो विद इन 5 or 10 मिनट में आ जाता है। तो उसी पता चल जाता है कि पेशेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम उनको कोविड वार्ड में भेज देते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो पेशेंट हमारे स्टाफ होते हैं वो उनके साथ डील करते हैं। कितना मुश्किल आपके लिए रहता है सारा? मुश्किल तो रहता है बट हमें हमारा काम ही यही है, वी आर नर्सेज। तो हमारा हम फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारा काम ही यही होता है कि पेशेंट के साथ डील करना, उनको सारे जो भी मेडिकेशंस है उनके केयर वेयर है, हमारा वो काम ही होता है कि उनको वो काफी सारे पेशेंट हमने ऐसे भी देखे जिनके साथ कोई होता ही नहीं है। 2 दिन पहले किसी की डेथ हुई थी, यहाँ पे आया ही नहीं कोई उनको लेने, उनको कैसे आप देखते हैं? वो तो उनके फैमिली, उनके जो रिलेटिव उनका है, हम तो उनके साथ होते हैं तब तक जब तक पेशेंट यहाँ पे होते हैं। हमारा काम ये होता है कि जब तक पेशेंट यहाँ पे, उनको सारे जो भी चीज़ें उनको चाहिए, उनकी मेडिकेशन तक, ट्रीटमेंट तक, हम उनके साथ हैं। उसके बाद जब डेथ होते हैं, हम जो उनके अटेंडेंट होते हैं हम उनको बता देते हैं ऐसे कि ये डेथ हुई क्या है, उनके बाद वो उनका काम होता है। पब्लिक को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? हमारी तरफ से पब्लिक को यही मैसेज है कि घर पे बैठे प्रॉपर SOPs का पालन कीजिए, हैंड वॉशिंग कीजिए। जब भी बाहर जाते हो या किसी के साथ भी हैंड शेक करते हो तो सबसे पहले हैंड वॉशिंग करो, प्रॉपर डिस्टेंस रखो, मास्क लगाओ, और कम जब भी कुछ एमरजेंसी हो तब भी बाहर निकले, घर से बाहर निकले, ऐसे घर से बाहर मत निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर। 24 आवर ये यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं और ईद के दिन भी हम देख रहे थे यहाँ पे सारे लोग जो हैं काम कर रहे थे, जो अपनी आप को खतरे में डाल के इस सारे काम को देख रहे हैं। और भी कुछ लोग इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरगी जहाँ है, मैं यहाँ पे एज अ स्टाफ नर्स काम कर रही हूँ। किस तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं आप? सर अभी तक तो सब अच्छे से हो रहा है, सारा फैसिलिटी जो भी चल रही है सब अच्छे से चल रही है, पेशेंट को ट्रीटमेंट जो भी जा रहा है बहुत अच्छे से जा रहा है, सब कुछ मेडिकेशन यहाँ पे मिल रही है, तो बाकी ऑक्सीजन सप्लाई भी सब भी प्रॉपर वे में जा रहा है यहाँ पे। जैसे बाहर की कंडीशन को अकॉर्डिंग टू मतलब दिस यहाँ पे बहुत अच्छा है। हायर अथॉरिटी मेडिकल कॉलेज की किस तरह से अप्रिशिएट कर रही है आपको? अच्छे से, बहुत अच्छे से सारा वही कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे भी मैनेज हो पा रहा है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे? मुश्किलें भी आई होंगी इसके बीच में? मुश्किलें बस यही है कि एक हमें यहाँ पे फैमिली से भी थोड़ा दूर रहना पड़ रहा है, जैसे कोई फंक्शन है कुछ भी है वो सब हम मतलब अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम पेशेंट की केयर हमें पहले है, देन उसके बाद बाकी जो भी है फंक्शन आए जो भी गए थे ईद नहीं, यहाँ पे बहुत सारे दूर के स्टाफ हैं, जैसे कि बनिहाल के हैं, कश्मीर के हैं, रामबन वगैरह सारे राजौरी के हैं, तो वो स्टाफ तो सारा यहीं पे था। अब जो कुछ थोड़े बहुत पब्लिक को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? बस यही है कि अपना भी ध्यान रखें उनके साथ, उनको हमें हमारे बारे में भी सोचना है, स्टाफ के बारे में, बिकॉज हमें वो हमें पता है कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, बाहर के लोगों को नहीं पता है। तो हम बस यही उनको बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने घर में बैठिए, बाहर जितना भी अननेसेसरी आना जाना वो बंद कीजिए। तो देखते हैं आज पेशेंट के साथ 5-5, 4-4 लोग होते हैं, उनको क्या बताना चाहोगे? उनको भी यही बताना है कि जैसे अगर एक या दो बंदा है, आपको दो बंदे की ज़्यादा ज़रूरत है तो तीसरा बंदा यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे जब पेशेंट लाया जाता है तो उसके साथ कम से कम भी 10 या 15 बंदे आ जाते हैं। उनको ये बात ये सोचनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव पेशेंट है या जो भी है तो 10 के 10 उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, बाद में वो लोग बाहर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बाकी रिश्तेदारों के साथ अटैच हो रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए उनको अगर आ रहे हैं तो एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारी इतनी मतलब गैदरिंग नहीं करनी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हेल्थ का अमला ही हमसे बात कर रहा था, जो अपने आप को खतरे में डाल के हम सब लोगों की जान की परवाह कर रहा है, तो इन सब के साथ हमें कॉपरेट करना चाहिए। जिस तरह से बता रहे हैं कि एक पेशेंट के साथ हम देखते हैं कि 4-4, 5-5 लोग आते हैं, कोई सोचना चाहिए कि जिस तरह से महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारे केसेस भी आ रहे हैं, डेथ्स भी काफ़ी सारी हुई, तो इसके बचने के लिए जो भी SOPs हैं उन पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखते रहे गुलिस्तान, वसीम कत्तू, डोडा।